केबीपीएस न्यूज की टीम धर्मेशपुर पहुंची, जो गंज ब्लॉक में है और न्याय पंचायत मयूनी है। नेम सिंह ग्राम प्रधान है, जिन्होंने बताया कि उनके द्वारा गांव में दो इंटरलॉकिंग सड़कें, दो खड़ंजे, एक सीसी रोड और 333 शौचालयों का निर्माण कराया गया है। साथ ही 17 सोलर लाइटें और 3 लोहिया आवास भी ग्राम प्रधान द्वारा गांव के लोगों को मुहैया कराए गए हैं। लेकिन अभी इस गांव के लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं और तमाम यहां की मांगे हैं जो सरकार पूरा कर सकती है। इस गांव को अभी 80 प्रधानमंत्री आवास चाहिए, तो साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, 60 शौचालय, सभी तरह की पेंशन भी इस गांव को चाहिए। और साथ साथ शमशान घाट की चार दीवारी, प्राथमिक स्कूल की बाउंड्री, ग्राम पंचायत के सभी रास्तों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था और सीसी रोड सड़कों का निर्माण इस गांव की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है। स्वास्थ्य सेवाएं कासगंज जिले के इस गांव में भी कहीं दिखाई नहीं दी, तो वहीं पानी की निकासी के मामले में भी गांव बहुत पीछे है। और परिसंपत्ति पर कुछ अभी खाली है तो कुछ पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। हमारा ब्लॉक से नेम सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर से। मुझे एक बारात घर की बहुत आवश्यक जरूरी है, और शमशान घाट की बाउंड्री है और स्वास्थ्य केंद्र की जरूरी है, और काफ़ी मेरे गाँव में गरीब और रद्द करी है। इंटरलॉक सीसी की जरूरी है, स्कूल की बाउंड्री की जरूरी है, और उसकी पंचायत घर की मरम्मत की भी जरूरी है, हैंडपम्प के और बिजली के खम्भा ट्रांसफार्म इनकी भी बहुत जरूरी है। मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है और आवासों की जरूरी है। बहुत लोग जो है झोपड़ियों में कच्चे में रह रहे हैं खुले में, और शौचालय की जरूरी है, और काफ़ी समस्याएं से लोगों को बहुत सामना करने का रहा है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, आवास करीब करीब जो है मेरे गाँव ग्राम पंचायत में कम से कम 80-85 लोगों के खुले में रहते हैं। वो मैंने जैसा पैसा आया पैसा कमाया था मेरी ग्राम पंचायत में, कुछ इंटरलॉक करा दिए, सीसी करा दिए और खंजा कराया, उतना पैसा ही नहीं आता ग्राम पंचायत के लिए। तो मान लो अधिक से अधिक बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, पेंशन हम लोगों की पेंशन होना चाहिए भाई। हम भी अपने कम से कम 10,000 रुपये हमारी मानदेय होना चाहिए, और आखिर में पेंशन बहुत जरूरी है, पेंशन होना चाहिए। क्योंकि विधायक है, एक विधायक जो है कम से कम 1,35,000 रुपये मानदेय लेते हैं, उसके बाद जब विधायक नहीं रहते हैं उसके बाद उन्हें पेंशन मिलती है। मैं भी अपने ग्राम पंचायत का छोटा मोटा अध्यक्ष हूँ,